एक आईएएस अधिकारी की सैलरी 56,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा और भी कई सरकारी सुख सुविधाएं एक अफसर को मिलती है, गाड़ी बंगला मिलता है, शाही ठाट होते हैं, लेकिन इन सब के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सालों लगाकर कड़ी मेहनत के बाद एक युवा आईएएस अफसर बन पाता है। लाखों युवा आईएएस अफसर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं, लेकिन ये सपना कुछ ही लोगों का पूरा हो पाता है। ऐसे ठाट बाट और इतनी मेहनत से मिली नौकरी को छोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर आखिर क्यों कोई व्यक्ति किसी और रास्ते पर जाएगा? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आईएएस अफसर ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सब्जी बेचना शुरू कर दिया, तो आप इस पर क्या यकीन करेंगे? ये बिल्कुल सच है, ये कोई नई कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1992 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी प्रवेश शर्मा की, जिन्होंने सभी सरकारी सुविधाओं को त्याग दिया और सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको प्रवेश शर्मा के बारे में बताते हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का ये फैसला लिया। आखिर कौन है ये जिनकी आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? सरकारी नौकरी छोड़ बने सब्जी वाले। प्रवेश शर्मा 1982 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में वीआरएस ले लिया और सरकारी नौकरी छोड़कर सब्जी बेचने लगे। 34 साल तक सरकारी नौकरी करने के बाद प्रवेश शर्मा ने अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर दिया। साल 2016 में उन्होंने दिल्ली के द्वारका इलाके में अपना स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने ऑनलाइन सब्जी और फल बेचने का काम शुरू कर दिया। सब्जी वाला नाम से उन्होंने एक वेंचर की शुरुआत भी की। प्रवेश शर्मा के पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने चुनौती को स्वीकार करते हुए बिजनेस में उतरने का फैसला किया। सरकारी नौकरी छोड़ सब्जी बेचने वाले ये अफसर आज सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्होंने सब्जी और फल बेचने का एक अनोखा तरीका भी निकाला है। किसानों और मंडी को सीधे कस्टमर से जोड़ते हुए उन्होंने सब्जी वाला नाम से पोर्टल की शुरुआत की। सब्जी वाला ऐप के जरिए कोई भी ऑनलाइन सब्जी फल ऑर्डर कर उसकी डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकता है। जो काम कोरोना लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, प्रवेश शर्मा ने उसे साल 2016 से ही करना शुरू कर दिया था। दिल्ली के अलावा उनका कारोबार पानीपत, आगरा, इंदौर, नासिक, रामता जैसे शहरों में फैला हुआ है। प्रवेश शर्मा ने दिल्ली में पढ़ाई पूरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एमपी सरकार में कृषि सचिव बनाया गया था। साल 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़ी तो सभी हैरान हो गए। हालांकि प्रवेश शर्मा ने नौकरी क्यों छोड़ी इसके बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रवेश शर्मा आज सभी के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।